सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने पढ़ लिया होगा, मैं T4 के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। T4 अनलॉक करने जा रहा हूँ मैं आज, तो आप देख सकते हैं मैं T4 कैसे अनलॉक करूँगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने गिल्ड चैट में लिख रहा हूँ कि मुझे थोड़ा रिसोर्सेस चाहिए। देखते ही मेरे गिल्ड मेट हेल्प करते हैं, मुझे रिसोर्स भी सेंड करते हैं, बिकॉज मिडल में मैं विदाउट T4 के भी कुछ छोटे मोटे रिसर्च मेरे रह जाते हैं, वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने सारा पहले से कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी माइट कितनी कम है, तो इसके अराउंड में मेरे से जितना हुआ मैंने रिसर्च किया, क्योंकि मैंने फैमिलियर वगैरह भी अनलॉक कर रखे हैं। वो अगर आपको जानना चाहते हो फैमिलियर्स के बारे में, तो उसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं गियर पे रिसर्च कर रहा था, क्योंकि T5 की ओर थोड़ा बढ़ रहा था मैं भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टेक्नो लेवल का यूज़ करके मैंने सीक ट्रूप्स को 10 पे किया है। आप देख सकते हैं, छः लगेंगे इन चारों में। मेरे पास अभी भी टेक्नो लेवल बहुत है, 179 है। अभी देख सकते हैं 6 अराउंड लगेंगे। 56 डेज का रिसर्च डे है, 56 डे का विद गियर। मेरे मैंने गियर भी लगा के इसमें देख सकते हैं, अब 19 टेक्नो लेवल यूज़ हो रहा है, 19 देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा गियर चेक करने आ गया था, मैं गियर चेक कर लेना चाहिए एक बारी। रिसर्च का गियर लगा दिया है, बट कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, 19 के 19 ही लगेंगे टेक्नो लेवल इसमें, देख सकते हैं आप। कोई माइनस पॉइंट नहीं, पूरे के पूरे 19 ही लगे। और इसको ये देख सकते हैं, लेवल 10 करना पड़ेगा। लेवल 10 करने के लिए मुझे क्या क्या रिसर्च करने हैं देख लीजिए आप। तो चलिए एक एक करके करते हैं। 19 दे के मारते हैं, इसको निकल यहाँ से तू भी साढ़े 19। टेक्नो लेवल की कमी नहीं है यहाँ पे। फिर दूसरे वाला ये भी पहले इन सबको अपग्रेड मांग रहा है रिसर्च, इसको भी 6 दे के हटाया, निकल तू भी यहाँ से। अब मैं क्या, पहले सारे कर ही लो सबको, 6 दे के मारो। इसको भी दिए 6, ये तू भी ले जा 6, कमी नहीं है तेरे बाइक के पास। अब देख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे चीज़ हैं, कुछ ऐसे रिसर्च हैं जो मेरे रह गए हैं, जो कि इकोनॉमी के हैं, वो भी मेरे को कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो पहले आप देख लीजिए, इसको भी 19 दे के हटाया, तू भी निकल यहाँ से। अभी 117 टेक्नो लेवल मेरे बच रहे हैं, देख सकते हैं आप। वेट ट्रेनिंग और रिसोर्स गैदरिंग वाला रह रहा है, तो उसके लिए पहले सारे 10 करने हैं। तो मैं इसमें जब, ये जाहिर सी बात है, जब मैं लेवल 6 पे करूँगा तो मेरे को टेक्नो लेवल की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, मेरे पास स्पीड अप्स ही बहुत है। वैसे तो बहुत नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मैंने 48 डेज़ का रिसर्च मैंने कंप्लीट, मतलब स्पीड अप से ही कर दिया था। ये वीडियो स्टार्ट करने से जस्ट पहले मॉर्निंग में किया था मैंने, क्योंकि हेल इवेंट आया था उस टाइम, तो मैं सोचा चलो कुछ कर लेते हैं। मेरे गिल्ड मेट भी हेल्प कर रहे थे फास्टली, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि देखना, मैंने लिखा कोई वो नहीं है, वो तो नॉर्मली है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखिए आप, हेल्प आ रही है तेज़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही मेंबर्स मेरे एक्टिव थे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी मेरे पास रिसर्च के लिए थे, मेरे पास स्पीड अप मेरे बहुत बचा। अभी स्पीड अप वेस्ट मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जितना स्पीड अप हो सके, चाहे वो रिसर्च वाला हो, चाहे ट्रेनिंग वाला हो, चाहे हीलिंग वाला हो या नॉर्मल हो, आप बचा कर ही रखना, क्योंकि आगे इवेंट में काम आते हैं। हेल इवेंट, सोलो इवेंट चलते, चैलेंज चलते उनके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं नॉर्मल 5-6 लेवल पे, तो इसके लिए मैं टेक्नो लेवल का यूज़ ही नहीं कर रहा, क्योंकि इतने के लिए तो स्पीड अप ही बहुत है। हमारे गिल्ड मेट देखते हैं क्या करते हैं। ये आई एम अनलॉकिंग T4, सो हेल्प मी फास्ट। हाँ, ऐसी कुछ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैसेज करते ही देर ही नहीं है, फास्ट इतने फास्ट है मेरे गिल्ड मेट, सारे हेल्प करने लग रहे तेजी में। देखो क्या क्या, देखो हेल्प खत्म ही ना हो रही, पर मैं वेट नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी T4 अनलॉक करना है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा हेल्प का वेट नहीं करता। मैं क्या, करते रहो अपग्रेड करते रहो, अपने पास बहुत स्पीड अप है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब सोच के रखे हैं। अभी देख सकते हैं आप, 104 मिलियन माइट हो चुकी है मेरी। यस,
आई नो वेरी वेल, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी। हाँ ठीक है, उसके लिए था ना, अभी इवेंट आया था, इवेंट मैंने कंप्लीट किया था ना। कोई नहीं, देखते हैं अभी, बस थोड़ा सा हो रहा है। मैं सोच रहा पहले वेट ट्रेनिंग वाला कर लेता हूँ, उसके बाद ही करें दूसरी साइड आए। ठीक है कंप्लीट, इसे भी निकल। साढ़े एक दिन नौ कितने घंटे मारा तू, निकल यहाँ से। कमी नहीं है स्पीड की, बचा के रख रखे। मैं चाहता टेक्नो लेवल भी यूज़ कर सकता था, बट टेक्नो लेवल क्या यूज़ करता है मेरे पास जब स्पीड अप ही इतने सारे बचे हुए थे। क्योंकि अगर मैं टेक्नो लेवल यूज़ करता हूँ तो इवेंट क्लियर नहीं होगा ना, चैलेंज वाला ही, वो भी क्लियर हो रहा था साथ ही साथ। देख सकते मेरे पास कितना सब कुछ मिलता है। ये 800K देख सकते हैं, रिसोर्स कितने मिलते हैं। अभी मेरे गिल्ट मेट भी हेल्प करेंगे अभी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं। चल भाई चल आगे और निकाल, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी सारे हेल्प करेंगे। लिखते जाओ कॉर्नर वन, लिख दे भाई जल्दी फास्ट, ये विनवाद। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। ये 105 मिलियन माइट हो चुकी है मेरी, आप देख सकते हैं। तो चलिए हेल्प मिल रही है तेज़ी में, धकाधक धकाधक। ये अब हम ये लेवल 9 पे हो गया है, तो अब छोड़ो, अब टेक्नो लेवल का यूज़ करेंगे हम। हमारे पास बहुत टेक्नो लेवल है, बट गाइस मैंने सारे टेक्नो लेवल फिनिश कर दिए क्योंकि मैंने सारे रिसर्च में लगा दिए। अब मेरे पास एक भी टेक्नो लेवल नहीं है, बड़े अफसोस की बात है ये। मैक बेंच जल्दी जल्दी करो, चलो भाई चलो चलो चलो। ये इसको भी 3 देगा टायर निकल यहाँ से, तू भी यहाँ से। कमी नहीं है टेक्नो लेवल की अपने पास, तो ये 112 टेक्नो लेवल है हमारे पास। निकल बेटे, तू भी 3 देगा, इसको भी निकाला। अरे यार बहुत गोल्ड वेस्ट हो रहा है ना मेरा, थोड़ा यहाँ से कुछ कुछ ले लेते हैं। अलग कर लो कलेक्ट, बहुत माल पानी है अपने दोरे। चल भाई चल चल चल, बहुत ले लिया तेरी। जल्दी जल्दी कंप्लीट करो भाई, ये स्पीड अप दे के मार, इसके कमी नहीं है स्पीड अप्स की हमारे दौरे। चलो भाई चलो, 1.7 मतलब 107 मिलियन पावर हो गई है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं स्टार्टिंग में कितना था और अब कितना हो गया। अभी देखिए और बढ़ेगा अभी तो। ये दे दे डंडा मार इसके, ये छोड़ दिया। चलो मैं सर थोड़ा और टाइम देख लेते हैं, 13-10 हो गए हेल्प। चलो भाई गोल्ड आ गया अपने पास, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन लाइनिंग शुरू हो गई, इसका मतलब हमारे गिल्टमेट ने हमें थोड़ी हेल्प करी है थोड़े गोल्ड से। कोई नहीं देखते हैं, मतलब वो भी बोल रहे टेक्नो लेवल यूज़ करने के लिए, तो मैं तो यूज़ कर ही रहा हूँ, टेक्नो लेवल की कमी थोड़ी ना अपने दौरे। चल भाई इसको मार, टेक्नो लेवल 3 निकल, तू भी यहाँ से बेंच, तू भी निकल यहाँ से। तो री बहन इसको तो नहीं, शील्ड कर लेते हैं भाई। देख सकते हैं गोल्ड 5.52 मिलियन हो चुके हैं, जैसा कि मेरे गिल्टमेट ने मेरे को गोल्ड दिया। देख सकते हैं आप 4-6-10 मिलियन, वो तेरी 10 मिलियन गोल्ड हो गया, ये ना बात। चलो देखते आगे क्या होगा। ये शील्ड लगाई, ये और मिल गया, देखे अलाइ सप्लाई ट्रूप्स 15 मिलियन गोल्ड हो गया मेरे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 मिलियन गोल्ड और आ गया है। चले 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 तेज़ी में, अभी देखते हैं क्या स्पीड अप, निकल यहाँ से तू भी। चल भाई देते हैं इसको भी, दे अक टेक्नो लेवल दे एक एक। मैं क्या जल्दी जल्दी खोलना है, क्या लगा रहा हूँ स्पीड अप में, टेक्नो लेवल ही दे दे के निकाल लूँ। 1-2-3 में क्या जा रहा है, अभी बहुत टेक्नो लेवल है। ये तेरी गैदरिंग वाला भी हो गया, मैं ऐसा थोड़ा जेम हार्वेस्टिंग भी कंप्लीट कर ही लेते हैं जब सारे कर ही रहे तो। चलो जैसा कि अब फाइनल पॉइंट पे आ गए हैं, 19 टेक्नो लेवल दे के मारा इसे, निकल यहाँ से। अब देख सकते हैं T4 अनलॉक हो चुका है, ये हीरोइक फाइटर हो गया है अगला। हम कार्यक्रम तेज़ी में निकलता जा रहा है, ये हमने सारे अनलॉक कर लिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने इमोजी डाल दिया है, ये आई अनलॉक ऑल T4 ट्रूप्स। अब मैं इसको ये वो अब मैं इसको थोड़ा ट्रेंड करके दिखाऊंगा आपको T4 ट्रेंड करने का। वो पहले मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूँ आगे क्या क्या रिसर्च है, कैसे कैसे है, क्या क्या रिसर्च में मतलब मिलेगा, कोई बात नहीं। अभी देख सकते सारे खुले हुए मेरे पास लेवल 9 के, ये एनर्जी लिमिट्स वगैरह। चलो तो अब हम चलते हैं, थोड़ा करके आते हैं सैर, कहाँ की अपने ट्रेनिंग की।
तो अब लगाते हैं ट्रेनिंग पे, सब थोड़े थोड़े ट्रेनिंग पे लगा देते हैं। ये पहले मैं ट्रेनिंग के लिए थोड़ा कुछ गियर चेंज कर लूँ, दो ही है मेरे पास, उतना ध्यान नहीं देता ना मैं हंटिंग पे। ध्यान देना गाइस आप सब, क्योंकि जितना ज़्यादा हंट करोगे उतने ज़्यादा गियर्स बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। मैं हंटिंग ज़्यादा नहीं करता इसीलिए थोड़ी हंटिंग गियर्स, मतलब मेरे गियर्स इतने खास नहीं हैं। मैं कुछ ही ऐसे है जो हंट करता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन और रिसर्च स्पीड वगैरह मैंने मैक्स कर रखे हैं, तो ऐसे ऐसे ही मॉन्स्टर मैं हंट करता हूँ जो मेरे मतलब थोड़ा इन कामों में काम आता है। ट्रेनिंग वगैरह की मैं सोचता ही नहीं, ट्रेनिंग की छोड़ो बाद में कर लेंगे, बट अब मुझे लगता है ट्रेनिंग के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सिर्फ 300-350 ट्रूप्स के लिए मेरे 4.25 घंटे लग जा रहे हैं, तो इतना कहाँ से स्पीड अप दे पाएंगे। इसीलिए हंटिंग करनी पड़ेगी अब ट्रेनिंग के लिए भी। कंस्ट्रक्शन और रिसर्च बहुत हो गया, गैदरिंग भी मैंने कंप्लीट कर लिए है, यहाँ तक कि मैंने फैमिलियर के लिए भी केयर कंप्लीट कर रखा है, बट कोई नहीं देखते हैं। हमने गिल्डमेट को भी थोड़ी खुशी दे देता है कि भाई हमने 300 के राउंड हमने कर लिया है ट्रेंड। ये रह गया एक इकलौता हमारा बेचारा डिस्ट्रॉयर। चल भाई डिस्ट्रॉयर तू भी हो जा कुछ, क्यों बेचारा उदास पड़ा रहेगा कोने में, है नहीं? वो टाइम लिमिट के अनुसार देखते हैं, दे 12 घंटा कोई दिक्कत नहीं, 1-2 मिनट ज़्यादा हो गए। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अगली वीडियो अपलोड करते रहें।